पहली बार आप काम कर रहे हैं समाज के लिए या कहते हैं जरूरतमंद के लिए, वाकई काबिल तारीफ, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जयमंगला वाहिनी से आप कैसे संपर्क में आए और क्या चीज का अच्छा लगा? विश्व रक्तदान दिवस को लेकर बेगूसराय के सदर अस्पताल में किस प्रकार से कार्यक्रम का आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जयमंगला वाहिनी के द्वारा तीन जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पहला प्रथम बेगूसराय दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी ब्लड बैंक में और दूसरा है बड़ौनी में, तीसरा खगड़िया में। यहाँ पर अभी मतलब जो है लगभग 73वां मतलब जो है रक्तदान हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि लगभग सेंचुरी पार हम लोग करें। अभी तक में कितने लोग रक्तदान कर चुके हैं? मैंने 73वां रक्तदान किया है अपना और अपने जीवन का 18वां। दूसरा में लगभग 45 बच्चे मतलब थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें लगभग 15 दिनों में एक यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है और उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। देखिए बेगूसराय में जो भी रक्त से मतलब जो है सो परेशान है, रक्त के लिए परेशान है, उन्हें जयमंगला वाहिनी ऑलरेडी रक्त उपलब्ध कराती है, रक्तदान कर रही है और मुहिम मतलब रक्त उनके तक पहुंचा रही है और आगे भी पहुंचाते रहेगी। यह मतलब अभी हाल ही के दिनों में जयमंगला वाहिनी ने लगभग अपना 1000वां रक्तदान करवाया था और ये लगभग उसके बाद जस्ट मतलब जो है कैंप है और आगे भी यह कार्य चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर सिंह गौतम हुआ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।